नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी की पत्नी बिमला तिवारी का निधन हो गया है। सोमवार को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। बता दें कि बिमला तिवारी लंबे समय से बीमार चल रही थी और ऐसे में बिहार के तमाम नेताओं ने इस पर दुख भी जताया है। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव अपने पुराने मित्र शिवानंद तिवारी के आवास पर पहुंचे। वहां पर जाके उन्होंने बिमला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो शिवानंद तिवारी के आवास से सामने आई है। बहुत बहुत साथी हो तभी हमारा विरोध नहीं, इतना झंझट ना जिंदगी में पापड़ बेले। लेकिन राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी की पत्नी बिमला तिवारी का निधन हो गया है। सोमवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। पिछले 15 मई को उनको पारस अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। करीब 11 वर्ष पूर्व उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बिमला तिवारी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, राष्ट्रीय महासचिव वीनू यादव, प्रदेश महासचिव ई अशोक यादव, प्रमोद राम के शोक जताया। अंतिम संस्कार मंगलवार को है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी की धर्मपत्नी बिमला देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने शोक संदेश में कहा है कि बिमला देवी एक धर्मपरायण महिला थी। मुख्यमंत्री ने शिवानंद तिवारी से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा के चीर शांति के लिए प्रार्थना की। और ऐसे में देखिए कि आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव शिवानंद तिवारी के आवास पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बिमला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।